हेलो फ्रेंड्स, एवन तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ढेर सारे मसाले और स्पाइस के दीवाने हैं तो आपको ये सोयाबीन चिल्ली बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। सोया चंक्स बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी लिया है। अब हम गैस को ऑन करते हैं। जैसे ही पानी गर्म हो जाए हम उसमें सोया चंक्स डाल देते हैं। देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक बाउल सोया चंक्स डाल देते हैं और अच्छे से एक उबाल ले लेते हैं। इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, इससे नमक अंदर तक जाएगा। क्योंकि सोया चंक्स को अपना स्वाद नहीं होता, नमक से उसमें स्वाद आ जाएगा। पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और सोया चंक्स को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में ही छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी सोया बड़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। और इसे अच्छे से हाथों से निचोड़ना है। और एक बर्तन में डाल देते हैं। इस तरह से सारे सोया चंक्स को हम निचोड़ लेते हैं। सोया चंक्स अच्छे से निचोड़ दिए हैं मैंने। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालिए। आप चाहे तो यहाँ पे रेड चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ताकि मैदे की और कॉर्नफ्लोर की अच्छे से कोटिंग हो जाए सोया चंक्स को। अब आप देख सकते हैं सोया चंक्स को अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। देखिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें सोया चंक्स डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोया चंक्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हम बाकी के सोया चंक्स फ्राई कर लेते हैं। सारे सोया चंक्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं कढ़ाई से तेल निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इसमें हम 2 चम्मच तेल बाकी रखेंगे। सोया चिल्ली की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल बाकी रखा है कढ़ाई में। गैस को ऑन कर देते हैं। आप चाहे तो दूसरी कढ़ाई यूज करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। कप ग्रेवी बनाते हैं हम। गैस को हम लो फ्लेम पर रखेंगे। अब इसमें जाएगा 7-8 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, आधा छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। दो बारीक कटी हरी मिर्च मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा 1 कटा हुआ प्याज, बड़े साइज में मैंने काट लिया है। 1 कटी हुई हरी शिमला मिर्च, 1 कटी हुई लाल शिमला मिर्च। अब हम इसे मिक्स करते हैं और गैस को हाई फ्लेम करते हैं। हाई फ्लेम पर भूनने से सब्जियों में क्रंच रहेगा। 1 मिनट हम इसे भून लेते हैं। 30-40 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस 1 चम्मच, टोमेटो सॉस 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। आप चाहे तो यहाँ पे रेड चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। 1 कप पानी डाल देते हैं इसमें।
आधा चम्मच व्हाइट विनेगर डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। दो से चार चम्मच पानी डालना है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं। इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए सोया चंक्स। मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। आपको अगर इसमें ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी की मात्रा यहाँ पर बढ़ा दीजिए। मैं यहाँ पर ड्राई सोया चिल्ली बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा पानी नहीं डाला है। देखिए अच्छे से पक रही है हमारी सोयाबीन चिल्ली। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब हमारी सोयाबीन चिल्ली तैयार हो चुकी है दोस्तों। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।